गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डबल एंडेड क्यू, जिसको डी क्यू भी बोला जाता है। एक बात यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो डबल एंडेड क्यू है उसमें मैंने कैपिटल डी कैपिटल ई क्यू लिखा है, यानी कि डबल एंडेड क्यू। इसको आप अपने डी क्यू वाले जो हमारा क्यू का ऑपरेशन था डी क्यू, उससे कन्फ्यूज मत करना, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नॉट टू बी कन्फ्यूज विद डी क्यू, नॉट टू बी कन्फ्यूज विद डी क्यू, ठीक है? तो एन क्यू डी क्यू वाला डी क्यू है, उससे आप कन्फ्यूज मत करना इसको। इसकी फुल फॉर्म है डबल एंडेड क्यू। और इसका मतलब क्या है, डबल एंडेड क्यू क्या होती है, ठीक है? मान लो कि आप क्यू को एरे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर स्टोर में खड़े हुए हैं, कुछ भी खरीदने के लिए खड़े हो सकते हैं यार, वो भिंडी की सब्ज़ी हो या फिर बैगन की सब्ज़ी हो, ये सब लोग खड़े हुए हैं, इनको अपने अपने घरों में जाकर सब्ज़ी बनानी है, और ये एक जैसे दिख रहे हैं वैसे तो, लेकिन अलग अलग लोग हैं, ठीक है? सो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, फ्रंट है ये और ये रेयर है, ठीक है? ध्यान से सुनना, बात को एकदम कहानी की तरह सुनाऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि आप लोग चाह के नहीं भूल पाओगे, ठीक है? और मान लो हमने इसको एरे की सहायता से इम्प्लीमेंट किया है, हमने क्यू की इम्प्लीमेंटेशन देखी थी, हमने मान लो इसको एरे की सहायता से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो एरे की इंडेक्स की बात करूँ तो ये माइनस वन होगी इंडेक्स, जहाँ पर ये मेरा एरो लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर माइनस वन लिख देता हूँ, ठीक है? ये ज़ीरो होगी, ये वन होगी, ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और अगर इसमें जगह है तो सेवन एट नाइन टेन भी होगा, ठीक है? मान लेते हैं इसमें और जगह है तो सेवन भी मान लेते हैं, ठीक है? मान लो इसमें और लोग आ सकते हैं, ये रोड का अंत नहीं है, ये सिर्फ क्यू की बाउंड्री है, ऐसा मान लेते हैं, रोड की बाउंड्री नहीं है और यहाँ पर सेवन एट तक और एलिमेंट्स आ सकते हैं। अब हमारे पास जब इंसर्शन की बात आती थी तब हम क्या करते थे, हम कहते थे कि रेयर को आगे बढ़ा दो, यानी कि छः से सात पे ले आओ रेयर को, और यहाँ पर जो भी व्यक्ति है उसको खड़ा कर दो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है? जो भी इंसान है वो यहाँ पर खड़ा हो जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने रेयर को एक कदम आगे बढ़ा दिया, यानी कि मैं अब अपने रेयर को सात पे देखना चाहता हूँ। सात पे क्यों देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक एलिमेंट इंसर्ट किया है, रेयर पे मैंने एक एलिमेंट इंसर्ट किया है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको रेयर लिख दूंगा, ठीक है? ये मेरा रेयर हो गया, तो फ्रंट मेरा यहाँ पर था, रेयर मेरा यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर एक और इंसान मैंने खड़ा कर दिया, ठीक है? तो वो भी क्यू उसने ज्वाइन कर ली। अब डबल एंडेड क्यू में क्या होता है कि डबल एंडेड क्यू में हमने क्या देखा था, इसमें क्या प्रिंसिपल फॉलो होता था, फीफो होता था या लीफो होता था, जो फर्स्ट इन होता था वो फर्स्ट आउट होता था। तो हम फीफो प्रिंसिपल यहाँ पर यूज़ करते थे क्यू में, ठीक है? डी ई क्यू में ये यूज़ नहीं होगा, ठीक है? फीफो यूज़ नहीं होगा डी ई क्यू में। क्यों नहीं होगा देखते जाओ, डी ई क्यू का मतलब होता है डबल एंडेड क्यू। तो जो आपकी क्यू होती थी, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखता हूँ, जो हमारी क्यू होती थी जो कि हमने देखी है, उसमें हम क्या करते थे, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखता हूँ कि जो इंसर्शन होता था, इंसर्शन हमारा फ्रंट से होता था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंसर्शन, सॉरी इंसर्शन रेयर से होता था यार, इंसर्शन फ्रॉम रेयर, और डिलीशन कहाँ से होता था, डिलीशन फ्रॉम फ्रंट, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, जो हमारा इंसर्शन होता था, यानी कि अगर कोई भी इंसान आएगा तो वो अगला आठ पे आएगा और रेयर को हम आगे बढ़ा देते थे। जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, रेयर छः पे था, रेयर को मैंने आगे बढ़ा दिया सात पे, और यहाँ पर एक इंसान को खड़ा कर दिया, ठीक है? तो इसी तरह से आपको डिलीशन करना है तो क्या होगा कि ये इंसान जो है वो चला जाएगा और फ्रंट को हम आगे बढ़ा देंगे, स्टोर को आगे बढ़ा देंगे। तो फ्रंट इनिशियली माइनस वन पे होती है, आपको रिमूव करना होता है एलिमेंट, तो आप उसको एक कदम बढ़ाते हैं और एलिमेंट रिमूव हो जाता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली थी, हम फ्रंट को आगे बढ़ाकर एलिमेंट्स को डिलीट करते जा सकते हैं। तो फ्रंट को अगर मैं यहाँ पर आगे बढ़ा दूँ और इसको डिलीट कर दूँ तो फ्रंट यहाँ पर आ जाएगा यहाँ से हटा के, तो वो सारे काम मैं जो है वो कर सकता हूँ, ठीक है? डी ई क्यू में क्या होता है ये देख लेते हैं। जो डी ई क्यू होती है उसमें कहानी थोड़ी सी अलग होती है। आप इंसर्शन कर सकते हैं, इंसर्शन आप लोग कर सकते हैं फ्रॉम रेयर, और आप लोग फ्रंट से भी कर सकते हो इंसर्शन। जी हाँ, कोई भी घुस सकता है लाइन में, ये होती है डी ई क्यू, डबल एंडेड क्यू। और जो डिलीशन है, बिल्कुल सही गेस किया आपने, डिलीशन भी फ्रॉम रेयर प्लस फ्रंट, यानी कि दोनों जगह से आपका डिलीशन संभव है। इसका मतलब डबल एंडेड क्यू में क्या होता है कि सबसे पहले तो फीफो फॉलो नहीं होता है, ठीक है? फीफो फॉलो नहीं होता है, क्यू ऐसे फीफो को फॉलो करती है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली कहानी जो है वो फॉलो नहीं होती है।
और उसी के साथ साथ इंसर्शन फ्रंट और रेयर दोनों से हो जाता है, डिलीशन भी फ्रंट और रेयर दोनों से हो जाता है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल तरह की क्यू है जिसमें आपको डिलीशन और इंसर्शन सारे एंड से प्रदान किया जाता है। अब आपसे अगर कोई कहे कि यार फ्रंट से एक एलिमेंट डालो, तो फ्रंट से तो आप एलिमेंट अभी डाल नहीं सकते। अच्छा, अभी आप लोग फ्रंट से एलिमेंट नहीं डाल सकते, लेकिन अगर मैं बात करूँ इस इंसान को रिमूव करने की, यानी कि मैं फ्रंट को बढ़ा दूँ यहाँ पर और इस इंसान को मैं रिमूव कर दूँ, और फ्रंट को बढ़ा दूँ वापस से यहाँ पर और इस इंसान को रिमूव कर दूँ, तब क्या होगा? क्या तब आप लोग फ्रंट से इंसर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? मान लो कि ये एक इंसान आ गया जिसका नाम है अभिषेक, ठीक है, इसका नाम अभिषेक रख देते हैं। आपको इसको इंसर्ट कराना है आगे से, यानी कि फ्रंट से आपको इंसर्ट कराना है, तो आप क्या करोगे कि इसको यहाँ पर ले आओगे और इसको पीछे मूव कर दोगे। तो इसका कोड बहुत सिंपल होगा, आप लोग को इंडेक्स को एक कदम पहले इंडेक्स पर एलिमेंट को रख देना है और फिर उसको एक कदम पीछे कर देना है, यानी कि फ्रंट वाली इंडेक्स पर आपको उस इंसान को खड़ा कर देना है, उस एलिमेंट को लगा देना है एरे के अंदर, और उसके बाद आप लोगों को फ्रंट को डिक्रीमेंट कर देना है। तो इस तरह से आप फ्रंट से इंसर्ट कर सकते हो। तो इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर फीफो वाली बात आप लोगों को यहाँ पर फॉलो नहीं करनी है और आप डबल एंडेड क्यू इंप्लीमेंट कर रहे हो, तब आप इस तरह से फ्रंट से इंसर्शन कर सकते हो। अच्छा, हमने कहा था रेयर से जो है हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, क्या रेयर से डिलीट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं रेयर से डिलीट, और रेयर से डिलीट करना तो बहुत ही आसान है कि आप इस इंसान को जो है, मैंने यहाँ पर भी एक अच्छा वाला इंसान खड़ा कर दिया, मैंने वो बड़ी गंदी सी ड्राइंग बना रखी थी पहले, कोई बात नहीं। अब मान लो मुझे रेयर से डिलीट करना है, तो रेयर से डिलीट करना बहुत आसान है, रेयर को आपको इस तरह से एक कदम पीछे करना है और इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप रेयर से डिलीट कर सकते हो। तो रेयर से डिलीट हो सकता है, फ्रंट से इंसर्ट हो सकता है, वरना हम लोग क्या करते थे, हम लोग फ्रंट से डिलीट करते थे, रेयर से इंसर्ट करते थे, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो डी क्यू में आप दोनों काम कर सकते हो बेसिकली, ऐसा है। और मैं अभी यहाँ पर एक चीज़ और लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को, जो डी क्यू का ए डी टी है वो किस तरह से दिखेगा वो मैं आप लोगों को लिख के दिखाऊंगा अभी। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा ये बता दो कि यार डी क्यू समझ में आ गया कि ये ज़्यादा बड़ी चीज़ तो नहीं है ना, ये मुझे बता दो बस आप। बिल्कुल भी बड़ी चीज़ नहीं है, बस हमने जो किया था वही कर रहे हैं। पहले हमने इंसर्शन फ्रॉम रेयर डिलीशन फ्रॉम फ्रंट का नियम लागू किया था, अब हम कह रहे हैं कि आप इंसर्शन जहां से मन चाहे करें, डिलीशन जहां से मन चाहे करें, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे, ऐसा है, ठीक है। तो यहां पर डी क्यू का यही मतलब होता है। अब डी क्यू में कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूं, दो तरह की डी क्यू के बारे में बात करना चाहूंगा। एक तो होता है कि रेस्ट्रिक्टेड इनपुट और एक रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, तो दो तरह की डी क्यू होती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू टाइप्स ऑफ डी क्यू, टू टाइप्स ऑफ डी क्यू, और एक तो है रेस्ट्रिक्टेड इनपुट डी क्यू, एक होता है रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट डी क्यू। DEQ, देखा कितनी तेज़ लिखा मैंने। तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड इनपुट और रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट DEQ है, इसमें क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, तो क्या अलाउड नहीं है वो मैं यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्टेड इनपुट DEQ है उसमें क्या नहीं आप कर सकते वो मैं आपको बताता हूँ। तो रिस्ट्रिक्टेड इनपुट या फिर इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DEQ जो होती है उसमें आप क्या नहीं कर सकते, आप यहाँ पर इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट नहीं कर सकते, फ्रॉम फ्रंट इज नॉट अलाउड, ठीक है। इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट DEQ में क्या अलाउड नहीं होता है, डिलीशन फ्रॉम रेयर इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं डिलीशन फ्रॉम रेयर इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो डिलीशन फ्रॉम रेयर अलाउड नहीं होता है किसमें, रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट या फिर आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DEQ भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। तो रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट DEQ में कि आउटपुट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप डिलीट नहीं कर सकते पीछे से। ऐसा नहीं कि कोई इंसान आया और उसको पहले सर्व कर दिया जाए पीछे से, नहीं, आगे जो होगा उसको सर्व किया जाएगा, लेकिन कोई आके आगे लग सकता है, ठीक है। तो ऐसा आप समझ लो, अगर जगह है तो वो आगे आके लग सकता है। तो ये है रिस्ट्रिक्टेड इनपुट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट DEQ। अब आप लोग कहोगे कि यार इसका कोड, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, तो इसकी कोड और इम्प्लीमेंटेशन लिखने के लिए मैं आप लोगों को एक काम करूंगा कि इसका ADT बना के दिखा दूंगा, और मैं इसका ADT एक बार आपको बना के दिखा दूंगा ना, तो आपको डेफिनेटली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं DEQ, ADT
यहाँ पर आपको बताऊंगा, इसको कभी भी डी क्यू मत पढ़ना, इसको डी ई क्यू पढ़ना, डबल एंडेड क्यू। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डी क्यू ए डी टी के वो मेथड्स बता दूंगा जो कि आप लोगों को इम्प्लीमेंट करने हैं। तो जो डी ई क्यू है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी ई क्यू, और डी ई क्यू के साथ ए डी टी भी लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगी यार मैं किस बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो डी ई क्यू ए डी टी, ठीक है, डी क्यू ए डी टी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ऑपरेशंस बताता हूँ। तो जो डेटा है वो तो सेम एज आपका जो हमने क्यू था वो है सेम एज क्यू। ऑपरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, ऑपरेशंस कौन कौन से आप इसमें करा सकते हो। तो देखो इज एम्प्टी, कि एम्प्टी है क्यों या नहीं है, इज फुल, ये सारे ऑपरेशंस तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, और जो हमने बाकी ऑपरेशंस देखे थे क्यू के अंदर वो सारे तो रहेंगे ही रहेंगे। एन क्यू डी क्यू की जगह क्या आएगा आप ये देखो, एन क्यू डी क्यू की जगह आएगा एन क्यू फ्रंट एन क्यू रेयर, ठीक है, एन क्यू फ्रंट एन क्यू रेयर, और डी क्यू फ्रंट डी क्यू फ्रंट और डी क्यू रेयर, यानी कि पीछे से आपको अगर एलिमेंट को निकालना है तो डी क्यू और एन क्यू में आप लोगों को आगे से इंसर्ट करना है या पीछे से इंसर्ट करना है, जहाँ से भी क्यू में इंसर्ट करना है आप कर सकते हो इन चारों मेथड्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ ये दिखाने के लिए कि ये मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6, और ये ट्रिपल डॉट का मतलब ये है वो सारे मेथड्स जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, जैसे कि आप क्यू को अगर प्रिंट कराना चाहते हो या फिर आप अगर क्यू को इनिशियलाइज कराना चाहते हो तो वो सारे काम आप कर सकते हो। तो ये हमारा डी क्यू ए डी टी है, ठीक है। तो मैं काम कर लेता हूँ यहाँ पर कि इसको इस तरह से ना लिख कर, अगर मैं आप लोगों को ये मिटाकर जो ऑपरेशंस हैं एग्जैक्टली उनको लिखाई दूँ तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैं ये तो 3 डॉट मैंने लगाए हुए हैं, इनको मैं ऐसे करके लिख ही देता हूँ कि यार वो कौन से ऑपरेशन है। एक तो इनिशियलाइज है, और इनिशियलाइज के साथ साथ एक हमारे पास प्रिंट है, ठीक है, प्रिंट ऑपरेशन, कि आप अगर क्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं वो सारे एलिमेंट्स देखना चाहते हैं। तो हमने देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑपरेशंस, ठीक है, 8 ऑपरेशंस हमने देख लिए। तो ये है हमारा डी क्यू ए डी टी, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, आप लोगों को इसको खुद से इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बड़ा बड़ा इम्प्लीमेंट योरसेल्फ, और बहुत आसान है, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है नहीं होगा, और करोगे ना तो मज़ा आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इम्प्लीमेंट खुद से करना है इनको, इन सारे ऑपरेशंस को। देखो 4 ऑपरेशंस तो इम्प्लीमेंट हो रखे हैं, आपने पुराने वीडियोस देखे हैं, पिछले वाले इससे पहले वाले वीडियोस जो हैं प्लेलिस्ट में वो देखे हैं, तो हो ही रखे हैं सारे के सारे, ये वाले ऑपरेशंस तो मैंने करा रखे हैं, इन क्यू एफ इन क्यू आर। तो देखो इन क्यू आर मैंने करा रखा है, ठीक है, इन क्यू आर हमारा जो क्यू का नॉर्मल इन क्यू है वो है, डी क्यू एफ करा रखा है, डी क्यू एफ भी तो करा रखा है। कभी भी हम डी क्यू करते थे तो कहाँ से करते थे, हम लोग फ्रंट से ही तो डी क्यू करते थे। तो कभी भी हम निकाल रहे हैं एलिमेंट तो हम उसको रेयर से नहीं निकालते थे, हम उसको फ्रंट से निकालते थे, ठीक है। तो इसलिए डी क्यू एफ इन क्यू आर, ये आपको बस इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। इस पर मैं टू डू का लेबल लगा देता हूँ, टू डू टू डू टू डू टू डू टू डू, ठीक है। तो ये आपको करने हैं इम्प्लीमेंट। इन क्यू एफ बहुत आसान है, करके दिखाया मैंने कि भाई फ्रंट से अगर इन क्यू करना है तो सबसे पहले तो चेक करो कि ये जो -1 है ये -1 तो नहीं है, अगर ये -1 है इसका मतलब नहीं आ सकता, और अगर ये 0 है तो आप यहाँ पर एक इंसान को खड़ा करके इसको यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है, यहाँ से हटा के यहाँ पर बढ़ा सकते हो फ्रंट को, ठीक है। तो इस तरह से आपको कराना है बस फ्रंट से इन क्यू। आई होप कि आप लोगों को डी क्यू समझ में आ गया और क्लैरिटी आ गई इन सब कॉन्सेप्ट्स को लेकर। एट दिस पॉइंट अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो ज़रूर एक्सेस करना, सब कुछ अवेलेबल मैंने करा दिया है आप लोगों को, आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो। ये वीडियो भी मैं ऐड कर दूंगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की प्लेलिस्ट में। आई होप कि आप लोगों को ये कोर्स हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपको ये कोर्स हेल्पफुल लग रहा है तो यार लाइक ज़रूर करना, मुझे नहीं लगता लाइक करने में आपका ज़्यादा टाइम जाएगा, और उसी के साथ साथ अपने लिए प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना अगर आप सिस्टमैटिक वे में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स सीखना चाहते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।